कि सामान्य बजट के लिए मैं आयोजित इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी पूरी टीम की ओर से आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं। मेरे वरिष्ठ सहयोगी वित्त और संसदीय कार्य मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी ने अपना पांचवां बजट आज उत्तर प्रदेश विधानसभा में प्रस्तुत किया। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारी सरकार का यह सातवां बजट है और आठवां बजट है, सात बजट हम लोग से पहले प्रस्तुत कर चुके हैं और प्रत्येक ने अपने किसी एक थीम को लेकर के प्रदेश के लोक मंगल के लिए उस बजट को प्रस्तुत किया है। हमारा पहला जो बजट था वह 17-18 का, वह प्रदेश के अन्नदाता किसानों को समर्पित था। 2018-19 का बजट हम लोगों ने प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियल विकास के लिए, औद्योगिक विकास के लिए हम लोगों ने समर्पित किया था। 2019-20 का हमारा प्रदेश का बजट मातृशक्ति को समर्पित करते हुए, मिशन शक्ति के अभियान को आगे बढ़ाते हुए महिला सशक्तिकरण के लिए हम लोगों ने समर्पित किया था। 2020-21 का बजट प्रदेश के युवा ऊर्जा को समर्पित था। 21-22 का बजट प्रदेश के स्वावलंबन से सशक्तिकरण के इस अभियान को समर्पित था और 22-23 को अंत्योदय से आत्मनिर्भरता का प्रदेश का बजट रहा है। वर्ष 23-24 का बजट हमारी सरकार ने त्वरित एवं सर्वसमावेशी विकास के लिए समर्पित किया, तो आज का जो बजट है, जो हमारे वित्त मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है, वह बजट प्रभु श्री राम को समर्पित करते हुए लोक मंगल की उन भावनाओं को समर्पित किया कि यही महा आदि मध्य अवसाना प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवाना। तुलसीदास जी के इन शब्दों में कि बजट की शुरुआत में, बजट के मध्य में और अंत में भी प्रभु श्री राम हैं, उनके विचार में, उनके संकल्प में, एक एक शब्द में श्री राम हैं, क्योंकि श्री राम लोक मंगल के पर्याय हैं और यह बजट भी लोक मंगल को समर्पित करते हुए प्रदेश के समग्र और संतुलित विकास का उत्तर प्रदेश का एक आर्थिक दस्तावेज है। मैं इसके लिए वित्त मंत्री, अपर मुख्य सचिव वित्त और उनकी पूरी टीम को इस समग्र विकास और समग्र एवं संतुलित विकास की अवधारणा को सार्थक बनाने के उद्देश्य से प्रस्तुत इस बजट के लिए हृदय से बधाई देता हूं। मित्रों, हम सब जानते हैं कि आस्था, अंत्योदय और अर्थव्यवस्था को जो समर्पित हमारा आज का यह बजट है, ये अब तक का उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा बजट है। 7,36,437 करोड़ रुपए का यह बजट, यानी 7 लाख की सीमा को क्रॉस किया है। अगर आप देखेंगे 2023-24 की तुलना में
बजट में 6.7% की वृद्धि इसमें की गई है। और अगर आप देखेंगे कि प्रदेश का जो बजट का आकार में जो बढ़ोतरी हुई है, यह बजट प्रदेश की अर्थव्यवस्था को विस्तार देने की डबल इंजन सरकार की जो प्रतिबद्धता है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है, उनके उस विजन को सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास और सबका प्रयास, इन सब को समर्पित करते हुए डबल इंजन सरकार की प्रतिबद्धता को भी यह प्रस्तुत करता है। बजट में जो कुछ चीजें हैं जो हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण और मायने रखती है, वह है कि पहली बार 2,03,782.38 करोड़ रुपए कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए बजट में प्रावधान किया गया है। यानी यह इस बात को प्रदर्शित करता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे जब पैसा खर्च होगा तो वह रोजगार का सृजन भी करेगा और अर्थव्यवस्था को उतनी ही सुदृढ़ भी करेगा। हमारी सरकार प्रारंभ से ही इस बात पर ध्यान देती रही है कि हमें समग्र विकास की अवधारणा पर कार्य करना है, पिक एंड चूज नहीं, उस समग्र विकास की अवधारणा का ही परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश सरकार के बजट के दायरे को हम बढ़ाने में सफल हुए। अगर 16-17 की तुलना में प्रदेश की जीडीपी को अगर आप देखेंगे, ये लगभग 12-12.5 लाख करोड़ रुपए की थी और अब उत्तर प्रदेश की जो हम लोग 24-25 में जीडीपी की बात करेंगे, वह 25 लाख करोड़ रुपए यानी लगभग दुगनी से अधिक वह उत्तर प्रदेश की जीडीपी को बढ़ाने में सफल होगी। इसके साथ ही प्रदेश के अंदर जिन अन्य मुद्दों पर हम लोगों ने फोकस किया, उसमें इस दौरान प्रति व्यक्ति आय को दुगना करने में हमें सफलता प्राप्त हुई है। उत्तर प्रदेश जो देश की 2016-17 में छठी अर्थव्यवस्था थी, आज वह नंबर 2 की अर्थव्यवस्था देश की बन चुकी है। इसमें हम इसमें सफल इसलिए हुए क्योंकि हमने कर चोरी को रोका, रिफॉर्म किए, रेवेन्यू लीकेजेस को हर स्तर पर समाप्त करने के लिए जो भी उपाय हो सकते थे, सरकार ने, विभिन्न विभागों ने इसके लिए कार्य किया और आज उसका परिणाम है कि उत्तर प्रदेश एक रेवेन्यू सरप्लस प्रदेश बना है। प्रदेश में पिछले 7 वर्ष में राजस्व में हमने कई गुना वृद्धि की है, बिना कोई अतिरिक्त कर लगाए हुए, यानी कॉमन मैन को टच किए बगैर, उन्हें लोक कल्याणकारी योजनाओं के साथ जोड़ते हुए हम प्रदेश को रेवेन्यू सरप्लस स्टेट बनाने में सफल हुए हैं। और बजट की सबसे बड़ी खासियत यह है कि भारत सरकार के द्वारा, रिजर्व बैंक के द्वारा जो निर्धारित राजकोषीय घाटा FRBM की लिमिट है 3.5, हमारा यह बजट उस सीमा के अंदर 3.46% तक, या हमारा यह राजकोषीय घाटे के उस नियंत्रित करने और एक सफलता की उन ऊंचाइयों को प्रस्तुत करता है जो हमारी इस बात को प्रस्तुत करता है कि सरकार का जो विजन था कि सुरक्षा, विकास और सुशासन, और बजट में है राजकोषीय अनुशासन। राजकोषीय अनुशासन के लिए भी, यानी हमने विकास भी किया है, सुरक्षा भी दी है, सुशासन के लक्ष्यों को भी प्राप्त किया है, लेकिन साथ साथ अपने बजट को राजकोषीय संतुलन को बनाए रखने के लिए, उस अनुशासन को बनाए रखने के लिए भी पूरी प्रतिबद्धता और ईमानदारी के साथ काम किया है, और वह आपको इस बजट में भी देखने को मिल रहा होगा। प्रदेश में
हम लोगों ने पिछले 7 वर्ष में बेरोजगारी की दर को नियंत्रित करने में भी सफलता प्राप्त की है। जब 16-17 में प्रदेश के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट रेट 19.2% से ऊपर था, 19.2% से अधिक था, आज ये घटकर के 2.4% के आसपास है। यानी हम उसको नियंत्रित करने में हमें सफलता प्राप्त की है। हमने रोजगार के नए अवसर सृजित किए हैं, प्रदेश में औद्योगिक निवेश के नए वातावरण का सृजन किया है, एमएसएमई यूनिट्स को पुनर्जीवित किया है, एक जनपद एक उत्पाद और विश्वकर्मा श्रम सम्मान जैसी योजनाओं ने उत्तर प्रदेश को राष्ट्रीय पलक पर एक नई पहचान भी दिलाई है। और उत्तर प्रदेश में जो बैंकों के साथ ऋण जमा अनुपात सीडी रेशियो जो यूपी का था, जो 44% था, आज वह बढ़कर के 57% से अधिक हो चुका है। ये चीजें दिखाती हैं कि उत्तर प्रदेश इस दिशा में बेहतर कार्य कर रहा है। प्रदेश में गरीब कल्याण, महिला सशक्तिकरण, युवाओं के उज्जवल भविष्य और अन्नदाता किसानों की समृद्धि पर हम लोगों ने निरंतर फोकस किया है। ये सभी सेक्टर हैं जिन पर लगातार हम लोग कार्य कर रहे हैं। और इस बजट में कुछ चीजें जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, उनमें से कि 24,863.57 करोड़ रुपए की नई परियोजनाएं भी हम आज इसके साथ जो इस बजट के साथ जोड़ रहे हैं। युवाओं के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान एक नई योजना हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। इसमें अपने प्रदेश के युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए, नए सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के लिए, ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में रोजगार सृजित करने के उद्देश्य से एक नई पहल की जा रही है, जिसमें ब्याज मुक्त ऋण की सुविधा उन नए उद्यमियों को प्रदेश के अंदर सरकार उपलब्ध करवाएगी। ये सीमा 5 लाख रुपए तक की ब्याज, यानी 5 लाख रुपए तक की पूंजी पर करने जा रहे हैं, उसमें ब्याज मुक्त ऋण हम उन्हें उपलब्ध करवाने की व्यवस्था करने जा रहे हैं। दूसरा, प्रदेश में रोजगार प्रोत्साहन कोष के गठन की कार्रवाई, जिसमें ट्रेनिंग, इंटर्नशिप और अप्रेंटिसशिप की स्कीम को वित्त पोषण की कार्रवाई के साथ हम इसके साथ जोड़ेंगे। राष्ट्रीय फैशन टेक्नोलॉजी संस्थान की स्थापना यह वाराणसी में करने और 2 मेगा राजकीय ITI की स्थापना और 69 ITI के उन्नयन का प्रस्ताव भी हम लोगों ने इसके साथ जोड़ा है। स्पोर्ट्स साइंस एंड इंजरी सेंटर की स्थापना की कार्रवाई भी प्रदेश में है। वरिष्ठ नागरिक कल्याण कोष की स्थापना और आंगनबाड़ी के उन्नयन की, जो लगभग 22,000 से अधिक आंगनबाड़ी है, आंगनबाड़ी केंद्र, मिनी आंगनबाड़ी केंद्र है, उनको मुख्य आंगनबाड़ी केंद्र के रूप में अपग्रेड करने की कार्रवाई को हमने आगे बढ़ाया है।